आज नेशनल माइनॉरिटी डे के मौके पर मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कायदे आजम की वो तकरीर जो पॉलिसी साज तकरीर थी, जिन्होंने उन्हें वादे कर दिया था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बिला तफरीक रंग नस्ल और मजहब बराबर के शहरी होंगे, इसमें उन्होंने ये बात भी वादे कर दी की कि मजहबी आज़ादी इस तरह होगी कि आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं या किसी भी अपनी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो इसके खालक जो है नेशनल माइनॉरिटी डे, वो शहीद शबाज भट्टी हैं, जिनकी वजह से 62 साल पाकिस्तान बनने के बाद उन 2009 को ये दिन नेशनल माइनॉरिटी डे के तौर पे मनाना शुरू हुए। और मैं आज ये तमाम कौम को ये कहना चाहता हूं कि आज इसे जो कोई मर्जी नाम दे, कोई इसे स्याह दिन कहे, कोई इसे मसावात का दिन कहे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन्हें फराहम की तो सिर्फ शबाज भट्टी के इस दिन को कौमी दिन के तौर पे मनाने के लिए अकलीतों का ये उन्हें मौका आज मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज के दिन हम पूरी पाकिस्तानी कौम को ये तजदीद अहद करना चाहिए कि हम जिना का पाकिस्तान बनाएं, जैसा पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना चाहते थे। और उसके साथ साथ पूरी मसीही कौम को ये भी पैगाम देना चाहता हूं कि इस आज के दिन के लिए अपने तमाम उन मसाइल को हमें उजागर करने की जरूरत है जो हमें यहां मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए दरपेश है। और उसके साथ साथ हम सबको अपनी दवाओं में और अपनी मेहनतों से इस मुल्क पाकिस्तान को, जो हमारा प्यारा वतन है, इसको मजबूत तर मजबूत बनाने की भी जरूरत है। और मैं अपनी सारी मसीही कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को आज अकलीतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं।